तो आज हम लोग इस नाव में शूट करेंगे। इसमें तुम्हारी एंट्री हुई है ना? किसके लिए? ब्लॉग। एक्चुअली मुझे लगा कि शायद मैं भी जाके बैठी होंगी उस पर, लेकिन मैं नहीं बैठी हूँ। आप ही हैं, आप ही का वीडियो है। हाँ जी, क्यों क्यों इतने अच्छे तो लग रहे हो। इतना अच्छा शर्ट आपने पहना है। बालाजी की हालत है? आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, कभी कभी जमीन पे रहना बहुत जरूरी है ना, तभी तो हवा का वैल्यू पता चलेगा। पानी में तैर सकते हैं, देखिए हवा में तो उड़ लिया, पानी में तैर सकते हैं। क्या ये डरा डरा के मुझे, जिसको मैं कभी हमेशा याद रखूंगी, डरा डरा के मुझे चेयर देता है, डांट डांट के कॉफी देता है। लेकिन उस डांट में एक अलग प्यार है ना? हाँ ना विक्रम? नहीं है। सो ये आप लोग देख लूंगे, मैं ब्राइडल वाले कपड़े में हूँ। वो इसीलिए क्योंकि ब्राइडल अभी बनी नहीं हूँ, वो दुपट्टा उपट्टा सब लगा के प्रॉपर बनाएंगे। क्योंकि मेरा ये है, क्या बोलते हैं, क्रिमेशन है, एंड मेरे क्रिमेशन में मुझे दुल्हन जैसा सजा के एंड मैं उस पर लेटी रहूँगी, मतलब आई विल बी लाइक। सो मैंने जितने भी शोज किए हैं उसमें ये पहला ऐसा शो है जिसमें मेरा कैरेक्टर एक्चुअली मर रहा है। मोस्टली क्या हो जाता है कि या तो जेल चले जाते हो या कुछ, तो मुझे बुरा लग रहा है अनामिका के लिए, फॉर श्योर आई एम फीलिंग बैड फॉर अनामिका। इतने टाइम उस चीज़ को जिया है, लाइक यू नो पूरा टाइम। सो अजीब लग रहा है थोड़ा सा, एंड ये जो गुड बायज होते हैं ना, बहुत ही अजीब होते हैं, अच्छा नहीं लगता है। और मैं बहुत ही ज़्यादा हमेशा से इमोशनल बहुत ज़्यादा रही हूँ। बॉन्डिंग की बात तो मैं यहाँ का क्या ही बताऊँ, आई वुड से यहाँ पे मेरी ऑफ कैमरा वालों से ज़्यादा बॉन्डिंग रही है। एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ मैंने सीखी भी है। हर जगह हर इंसान आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। सो थैंक्स टू एवरीवन। एंड ठीक है, बहुत जल्द नई चीज़ की शुरुआत होगी, लेकिन जब जो चीज़ अभी फिनिश हो रही होती है ना, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बुरा लगता है। तो हाँ, एंड बट हमारा तो लाइक टीवी, लाइक हम लोग एज एन एक्टर एक प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं, उसमें एक फैमिली बनाते हैं, सब है, पूरा एक टीम होता है, हम पूरे दिन उनसे मिलते हैं, मतलब अपने घर पे जितना नहीं रहते होंगे उतना टाइम हम यहाँ पे बिताते हैं। मुझे ये मेकअप रूम, यहाँ मैं आप लोगों से जैसे बात कर रही हूँ, ये मेकअप रूम की ये वॉल्स, आई वुड से इन सबको मैं मिस करूँगी। सो सी, ये कहना बहुत आसान है कि मिस करो तो आ जाओ सेट पे मिलने के लिए चले जाना, वो बात अलग होती है, और जो ऑलरेडी आप उस घर पे हो पूरा टाइम बिताते हो वो अलग चीज़ होती है, वो आपका अपना होता है। अब यहाँ पे कोई और होगा, है ना? सो ठीक है, सो मैं रेडी रहती हूँ, बस काउंटडाउन चल रहा है। एंड बहुत प्यार मिला है वैसे मुझे यहाँ पे सबसे, सो आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू एवरीवन।